अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आया हूँ कुतुब आलम सरकार की बारगाह में, और अभी मैं ये दरगाह शरीफ वटवा में है। ये बाबा शाह आलम सरकार के अब्बा जान हैं। आपको यहाँ की ज़ियारत कराने आज मैं आया हूँ। तो अभी हम लोग दरगाह के अंदर आ चुके हैं, ये देखो। ये कब्रिस्तान है, कुतुब आलम सरकार का गुम्बद की ज़ियारत कर लो। ये देखो मज़ार शरीफ। ये आप लोग पेड़ देख रहे हो, ये पेड़, इस पे पहले अल्लाह मोहम्मद लिख के आया था, लेकिन अभी नहीं है। पहले यहाँ पर इस पेड़ पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था, इस तरफ लिखा हुआ था अल्लाह मोहम्मद, लेकिन अब नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे करामती पत्थर की तरफ, तो वहाँ का वाकया भी बताएंगे क्या है। ये देखो यहाँ का फौज है, और यहाँ पे मस्जिद है, और ये देखो यहाँ की करामत। इतना बड़ा गुम्बद बिना बीच में एक भी पिलर के खड़ा है, सिर्फ साइड के पिलर्स हैं। और यहाँ की करामत एक और है कि ये जो बड़े वाला गुम्बद है ऊपर, उस पर बिजली गिरी थी लेकिन एक दरार तक नहीं आई छोटी सी गुम्बद पे। पहले इसके ऊपर छत भी थी, अब देखो पूरी गिर गई है, यहाँ से सब पूरा गिर गया है। आज देखो बंद है यहाँ का करामती पत्थर का ताला लगा हुआ है। फिर कभी आप लोग को दिखाऊंगा, आऊँगा तो। आज के दिन बंद है, शायद काम चल रहा होगा क्योंकि इधर पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ से व्यू देखो, तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था लेकिन अभी पत्थर यहाँ पर है। ये देखो, ये देखो पत्थर को कुछ इस तरह से उठाया जाता है। तो आप लोगों को अभी मैंने दिखाया कैसे पत्थर उठाते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ का वाकया बताता हूँ। तो ये करामती पत्थर का वाकया कुछ इस तरह से कि एक बार कुतुब आलम सरकार यहाँ से जा रहे थे, और जाते वक्त उनके पैर में ये पत्थर लगा तो उनको जलाल आ गया, और उन्होंने कहा तू पत्थर है, लकड़ी है, कंकड़ है, ईंट है, तू जो भी चीज़ है अल्लाह और अल्लाह ही जाने तू क्या है। तो उतने बस उतना कहने पर ही ये पत्थर उन सब चीज़ों में तब्दील हो गया, और फिर उन्होंने इस पत्थर को उठा के कुएँ में डाल दिया और बोल के चले गए कि इस पत्थर को जो भी कुएं में से निकालेगा उसकी औलाद नहीं होगी। तो फिर बाद में इसे किन्नरों के हाथों से कुएं से निकाला गया और यहाँ पर रखवा दिया गया। लोग आके इस पत्थर को उठाते हैं, और जो भी दुआ होती है वो इंशाल्लाह कबूल होती है। अभी इस वीडियो का पार्ट टू आएगा, पार्ट टू भी ज़रूर से देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। बाय।